गाइस व्हाट्सएप में नया क्यूआर कोड फीचर अपडेट किया गया है, जिससे अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में किसी भी नए फ्रेंड को आसानी से ऐड कर सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार की आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्यूआर कोड स्कैन करनी है और नया फ्रेंड आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं किस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप में नए फ्रेंड को। देखने करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ माय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्यूआर कोड से किसी भी नए फ्रेंड को ऐड करने के लिए सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप सर्च करनी है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करते हैं तो जो नया फीचर है वो आपके व्हाट्सएप में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप को अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे पास में ही आपका व्हाट्सएप का ओपन का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो मेरा अपडेट है व्हाट्सएप, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे चैट और स्टेटस और कॉल का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसको नीचे आपको स्क्रॉल करके आनी है और साइड में दाहिने साइड में एक हरा कलर का यहाँ पे लोगो शो करेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पहले का जो ऑप्शन था गाइस किस प्रकार से अपने नए फ्रेंड को अपने व्हाट्सएप लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते थे, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करनी होती थी और करने के बाद यहाँ पे नेम पर आपको अपना फ्रेंड का जो भी नाम है उसे देना होता था। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए डी पाठक दे दूंगा, उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम देनी होती थी। देने के बाद आपको सिंपली ऊपर में यहाँ पर सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, सेव टू माय अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करनी होती है। सेव पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है अपने जो फ्रेंड का जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ पर आपका ऐड हो जाता था। पर जो नया जो गाइस ऑप्शन आया है फिलहाल में, तो यहाँ पर आपका जो न्यू कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन शो कर रहा है इसके पास में ही एक कोड शो कर रहा है जो क्यूआर कोड है। तो यही जो कोड है गाइस ये नया ऑप्शन है, तो सिंपली आपको फ्रेंड नया फ्रेंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस न्यू जो कोड है इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड का जो भी नंबर को अपने मोबाइल में ऐड करनी है उस क्यूआर कोड पर आपको क्लिक करनी है। तो अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर लेनी है और व्हाट्सएप को ऑन करनी है और उनको क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करनी है। जैसे आप स्कैन करोगे तो उनका क्यूआर कोड के थ्रू उनका मोबाइल नंबर है आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गाइस उनका अपने फ्रेंड का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में का जो नंबर है वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड समझ में आएगा किस प्रकार से अपने फ्रेंड का जो नंबर है व्हाट्सअप वो आसानी से अपने मोबाइल के नंबर लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए और ऐसे टच नॉलेज वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, जय हिंद।